बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है किडनी इन्फेक्शन। किडनी इन्फेक्शन होता क्या है, किडनी इन्फेक्शन के सिम्टम क्या हैं, नॉर्मल किडनी किस तरह होती है, इसके क्या टाइप्स हैं, इसके क्या रिस्क फैक्टर हैं, क्या काजेज़ हैं और इसकी ट्रीटमेंट वगैरह क्या है और होम ट्रीटमेंट हम किस तरह कर सकते हैं, किस तरह इससे इन्फेक्शन से बच सकते हैं। यूरिनरी ट्रैक में हमारे पास फर्स्ट किडनी आ जाती है, उसके बाद यूरिनरी ट्रैक आ जाता है जिसको हम यूरेटर कहते हैं, उसके बाद ब्लैडर आ जाता है जिसमें यूरिन स्टोर होता है। यूरेटर का काम ये होता है कि वो किडनी से यूरिन को ब्लैडर तक लेके आता है। जब ब्लैडर मुकम्मल फिल हो जाता है 90%, तो एक नर्व इम्पल्स जाती है ब्रेन तक, जो कि हार्मोनल चेंजेस होती हैं वो ब्रेन को, ये ब्रेन फिर ऑर्डर देता है कि ब्लैडर फिल हो गया है तो आप यूरिन कर सकते हैं। तो उसके बाद हम यूरिन के लिए जाते हैं, तो एक ओपनिंग, एक पाइप लाइक ओपनिंग होती है यूरिथ्रा, तो यूरिथ्रा के थ्रू हम यूरिन को अपनी बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको आउट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि नॉर्मल जो किडनी है उसमें किडनी का कलर भी देख सकते हैं, उसकी विड्थ भी देख सकते हैं, लेंथ भी देख सकते हैं, ब्लैडर का कलर भी देख सकते हैं और यूरिथ्रा का भी। और जबकि जो इन्फेक्शियस किडनी है उसमें आप किडनी का कलर देख लें, किडनी का साइज देखें, किडनी में इन्फ्लेमेशन हो चुकी है। यूरिटर नॉर्मल किडनी के यूरिटर देख लें और जो इन्फेक्शन किडनी के यूरिटर हैं वो थोड़े नैरो नहीं है, वो वाइड हो गए हैं। उसके बाद ब्लैडर है, ब्लैडर का कलर आप चेंज हो गया है, वो थोड़ा रेडिश हो गया और इन्फ्लेम्ड हो गया है। यूरिथ्रा की ओपनिंग जो कि बिल्कुल बारीक सी होती है वो भी वाइड होगी और उसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम बताएंगे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन असल में किन किन पार्ट्स में होता है, कौन कौन से पार्ट इसमें आते हैं और ये किन वजहों से होता है। अ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन और UTI इज़ एन इन्फेक्शन इन एनी पार्ट ऑफ योर यूरिनरी सिस्टम विच इंक्लूड योर किडनीज, ब्लैडर, यूरिटर्स एंड यूरिथ्रा। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन असल में ये होता है, UTI जिसको हम कहते हैं, कि वो जिस्म के UTI ट्रैक के किसी भी हिस्से में हो सकता है, जिसमें किडनी भी आती हैं, यूरिटर भी आता है, ब्लैडर भी आता है और यूरिथ्रा भी आता है। जैसा कि फिगर में आपको दिखाया गया है कि नॉर्मल किडनी किस तरह होती है और इन्फेक्शियस किडनी किस तरह होती है, और इन्फ्लेम्ड किडनी इन्फेक्शियस है, उसका कलर भी चेंज होता है और उसके साइज़ वगैरह में भी खासा बदलाव आता है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन UTIs आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन माइक्रोबल डिजीज़। इस यूरिनरी ट्रैक जो इन्फेक्शन है ये माइक्रोबल डिजीज़ है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है। इनकाउंटर इन मेडिकल प्रैक्टिस अफेक्टिंग पीपल ऑफ ऑल एजेस। जब आप मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जब डॉक्टर वगैरह प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो वो देखते हैं कि इससे तकरीबन तमाम उम्र के लोग मुतासर होते हैं। वर्ल्ड वाइड UTIs प्रीविलेंस वाज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 150 मिलियन पर्सन पर ईयर। अगर दुनिया में हम UTI इन्फेक्शन के बारे में पढ़ें तो और देखें कि इसके केसेस हमारे पास एक साल में कितना हैं, तो वो तकरीबन 150 मिलियन पर ईयर हैं। बिटवीन 1 ईयर एंड 50 ईयर ऑफ एज UTI एंड रिकरेंट UTI आर प्रीडोमिनेंटली डिजीज़ ऑफ फीमेल। यानी कि एक साल से लेकर 50 साल की जो एज है उसमें UTI इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिसमें वो रिकरेंट यानी कि दोबारा से हो जाती है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन और UTI इज़ एन इन्फेक्शन। अब हम इसके कॉजेज और रिस्क फैक्टर वगैरह पढ़ेंगे, जिसमें कि ये किडनी इन्फेक्शन किस वजह से होता है, इसके रिस्क फैक्टर क्या हैं। ड्यू टू माइक्रोबियल इन्फेक्शन, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनकी वजह से होता है। UTI आर यूजली कॉज्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम स्टूल और यूरिन एंटरिंग द यूरिनरी ट्रैक। यानी कि जब आप स्टूल वगैरह पास करते हैं, यूरिन वगैरह पास करते हैं, तो उस दौरान भी आप
बैक्टीरिया जिस्म में एंटर हो सकते हैं, यूटीआई इन्फेक्शन कर सकते हैं। द बैक्टीरिया एंटर थ्रू द ट्यूब डैट कैरीज यूरन आउट ऑफ द बॉडी यूरिथ्रा, यानी कि जो बैक्टीरिया हैं वो यूरिथ्रा के थ्रू ब्लैडर, ब्लैडर से यूरिटर और यूरिटर से किडनी, और किडनी के किसी एक पार्ट को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद होते हुए दोनों किडनी को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। वुमेन हैव अ शॉर्टर यूरिथ्रा देन मैन, यानी कि जो वुमेन का यूरिथ्रा है वो तकरीबन 3 से 4 इंच होता है, जबकि और जो मर्द का है वो तकरीबन 8 से 9 इंच का होता है। तो इस वजह से उनका विजाइना और यूरिथ्रा और ब्लैडर थोड़े नज़दीक होते हैं, तो वहाँ से बैक्टीरिया का इन्फेक्शन करने का चांसेस ज़्यादा हो सकता है। दिस मीन बैक्टीरिया आर मोर लाइकली टू रीच द ब्लैडर और किडनी एंड काज एन इन्फेक्शन कॉल्ड यूरिनरी, इसकी वजह से किडनी और ब्लैडर के इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, जिसको हम यूटीआई इन्फेक्शन कहते हैं। रीसेंट यूज़ ऑफ डायग्राम विद स्पर्मिसाइड, ये स्पर्मिसाइड की यूज़ की वजह से भी हो सकते हैं, हम डायग्राम में जिस तरह के आपको बता रहे हैं। फ्रीक्वेंटली सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल यानी जो इंटरकोर्स है उसका अगर हम सही तरीके का नहीं अपनाते, अगर उनको अज़ा को मुकम्मल तरह नहीं धोते और एक प्रॉपर जो तरीका है उसके मुताबिक हम इंटरकोर्स नहीं करते, तो तब भी यूटीआई इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। अ न्यू सेक्सुअल पार्टनर, और एक नया सेक्सुअल पार्टनर की वजह से भी हो सकते हैं, जिसमें गोनोरिया, ईटीसी, ये मुख्तलिफ डिजीज आ जाती हैं। ए यूटीआई इन द प्रीवियस 12 मंथ, यानी कि अगर यूटीआई इन्फेक्शन किसी को पहले हो चुका है तो वो दोबारा से भी हो सकता है। अ मटर्नल हिस्ट्री ऑफ यूटीआई, हिस्ट्री भी यूटीआई इन्फेक्शन की ली जाए, डायबिटीज़ की वजह से भी हो सकता है, पुअर हाइजीन यानी नाकस सफाई सुथराई की वजह से भी हो सकता है, इंडवेलिंग कैथेटर यानी जो कैथेटर है वो सही तरह पास ना किया हो और उसका प्रॉपर एक तरीक़ेकार है उसकी वजह से, और उसको निकालने का एक तरीक़ेकार है उसके मुताबिक, तो इन वजह से भी यूटीआई इन्फेक्शन का फैक्टर रिस्क फैक्टर हो सकता है। सिप्टम ऑफ यूटीआई इन्फेक्शन, पेन और बर्निंग वाइल यूरिनेटिंग, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यानी कि जब आप यूरिन वगैरह करेंगे तो पेन या आपको जलन की शिकायत महसूस होगी। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यानी कि आपको बार बार यूरिन आएगा। फीलिंग द नीड टू यूरिनेट डिस्पाइट हैविंग एन एम्प्टी ब्लैडर, आपको पेशाब के यूरिन का बार बार आना और जबकि आपका ब्लैडर बिल्कुल खाली होता, इस तरह की आपको फीलिंग आएगी। ब्लडी यूरिन, यूरिन में ब्लड वगैरह आएगा। प्रेशर और क्रैम्पिंग इन द ग्रोइन और लोअर अबडोमन, यानी कि आपके पेट के निचले हिस्से और ग्रोइन रीजन पर प्रेशर बना रहेगा और आपको तकलीफ होगी। सिम्पटम ऑफ अ किडनी इन्फेक्शन कैन इंक्लूड, किडनी इन्फेक्शन के में सिम्पटम सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, फीवर यानी बुखार वगैरह, चिल आपको सर्दी लगेगी, लोअर बैक पेन और पेन इन द साइड ऑफ योर बैक यानी आपके बैक साइड पर पेन वगैरह होगी, नोज़िया और वोमिटिंग, और आपको उल्टी वगैरह और दिल मतलाएगा, जैसा कि ये फिगर में भी आपको दिखाया गया है कि बार बार वॉशरूम में आप जाएंगे, आपको बुखार हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, वोमिटिंग हो रही है, फाउल स्मेल आ रही है, ठीक है, ये यूटीआई इन्फेक्शन के ब्लडी यूरिन होगा, तो ये यूटीआई इन्फेक्शन के सिम्पटम है। टाइप्स ऑफ यूटीआई इन्फेक्शन, यूटीआई इन्फेक्शन की टाइप्स क्या हैं, सिस्टाइटस, जहाँ भी आइटिस का लफ्ज आता है इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन, तो सिस्टाइटस मतलब ब्लैडर की इन्फ्लामेशन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ब्लैडर की जब इन्फेक्शन होगा तो जो इनर लाइनिंग है इस पर थोड़े से क्रैक से आने शुरू हो जाएंगे। नॉर्मल किडनी आप देख सकते हैं उसका कलर, और जो इन्फेक्टेड किडनी के अगर हम देखें अंदर से, ये फिगर में आप जो येलो कलर में मार्किंग हुई हुई है ब्लैडर से ऊपर, ये आप देख सकते हैं नॉर्मल जो ब्लैडर है उसमें
उसका कलर किस तरह का है, और जो इन्फेक्टेड है उसमें थोड़ा डार्क और रेडिश यानी ज़्यादा रेडिश है। तो इस तरह होता है जबकि इन्फ्लामेशन या कोई और इन्फेक्शन चल रहा हो। यू माइट फील लाइक यू नीड टू यूरिन अलॉट और इट माइट हर्ट व्हेन यू गो फॉर यूरिनेशन। आपको इस तरह होगा कि जिस तरह आपका ब्लैडर मुकम्मल तौर पर फिल है और आपको पेशाब के बारे में जाना पड़ेगा, लेकिन आपको ब्लैडर में बिल्कुल खाली होगा, आपको यूरिन वगैरह नहीं आएगा। यू माइट आल्सो हैव लोअर बेली पेन एंड क्लाउडी और ब्लडी यूरिन। आपको पेट के निचले हिस्से पर भी दर्द हो सकता है और क्लाउडी और ब्लड वाला यूरिन भी आ सकता है। पाइलोनेफ्राइटिस यानी किडनी की इन्फेक्शन। तो किडनी की इन्फ्लामेशन हो जाती है जहाँ पर कॉर्टेक्स पैरामाइड्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर पस वगैरह की फॉर्मेशन हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है और स्कैरिंग बन जाते हैं, क्रैक वगैरह से आ जाते हैं, जहाँ से यूरिन वगैरह का पास होना मुकम्मल तरीके से फिल्टर नहीं होता, जिसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो सकते हैं। पाइलोनेफ्राइटिस इज अ टाइप ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन वेयर वन और बोथ किडनी बिकम इन्फेक्टेड। पाइलोनेफ्राइटिस यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की एक ऐसी टाइप है जिसमें एक किडनी और दोनों किडनी इन्फेक्ट हो सकती हैं। दिस कैन काज फीवर, चिल, नोजिया, वॉमिटिंग एंड पेन इन योर अपर बैक और साइड। यानी कि आपको बुखार हो सकता है, सर्दी लग सकती है, आपको दिल मतला सकता है, आपको उल्टी वगैरह आ सकती है, और आपको बैक साइड पर अपर रीजन में पेन वगैरह भी हो सकती है। यूरिथ्राइटिस यानी यूरिथ्रा की इन्फ्लामेशन। यूरिथ्राइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ द यूरिथ्रा यानी इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिथ्रा, हम उसको यूरिथ्राइटिस कहेंगे, जो कि ओपनिंग होती है जो कि यूरिन को हमारी बॉडी से ब्लैडर से बाहर निकालता है। डैट्स ट्यूब डैट कैरी यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर टू आउटसाइड द बॉडी, यानी कि जो एक ट्यूब जो कि ब्लैडर से यूरिन को लेते हुए बॉडी से बाहर वेस्ट प्रोडक्ट को ले जाती है। दिस कैन यूज़ ए डिस्चार्ज एंड बर्निंग व्हेन यू गो फॉर यूरिनेशन। जब आप यूरिन के लिए जाएंगे तो वहाँ पर बर्निंग यानी जलन की शिकायत और पेन वगैरह आपको होगा। आप देख सकते हैं कि ब्लैडर में यूरिथ्रा का जो साइज़ है वो थोड़ा सा रेडिश भी है और इसकी ओपनिंग थोड़ी नैरो हो जाती है इन्फ्लेमेशन की वजह से, जिसकी वजह से आपको यूरिन करते हुए तकलीफ़ महसूस होती है। डायग्नोसिस का क्या तरीका है यूटीआई इन्फेक्शन को डायग्नोस करने का तरीके मुख्तलिफ हैं। एनालाइजिंग अ यूरिन सैंपल, सबसे पहले हम यूरिन का सैंपल लेंगे। ग्रोइंग यूरिनरी ट्रैक बैक्टीरिया इन लैब, उनका सैंपल लेते हुए हम एक लैब में टेस्ट करवाएंगे, उसके बाद हम इसकी कॉलोनी वगैरह डेवलप करवाएंगे कि इसमें कौन कौन से बैक्टीरिया हिस्सा ले रहे हैं, इनके खिलाफ कौन सी मेडिसिन हमें देनी है, और किस तरह की हमारे पास कॉलोनी बन रही है, और कौन कौन से बैक्टीरिया आ रहे हैं, एक किस्म के हैं या मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया आ रहे हैं। क्रिएटिंग इमेज ऑफ यूरिनरी ट्रैक और यूरिनरी ट्रैक के इमेजेस वगैरह हम लेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे, कंप्यूटराइज टोमोग्राफी सीटी स्कैन वगैरह करेंगे, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई करेंगे, यूजिंग ए स्कोप टू सी इनसाइड योर ब्लैडर। जबकि हम डायरेक्टली ब्लैडर में देखते हैं कि वहाँ क्रैक वगैरह तो नहीं है क्या, किस वजह से ये इन्फ्लामेशन हुई है, तो हम एक हमारे पास आला होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसकी वजह से हम उसके अंदर देखते हैं कैमरे के थ्रू, एक छोटा सा कैमरा होता है और वो यूरिथ्रा के थ्रू ब्लैडर तक हम ले जाते हैं। मेल और फीमेल सिस्टोकोप यानी मेल और फीमेल में हम उसको एंटर करके अंदर से देख सकते हैं। होम रेमेडीज़ फॉर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए हम घर पर क्या कर सकते हैं, योगर्ट वगैरह, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, एप्पल सीडर विनेगर, गिंगर टी, कुकुम्बर, इंडियन गोसेबरी, सिनेमन, हॉट कंप्रेस, गार्लिक, बेकिंग सोडा एंड कोरिएंडर पाउडर,
ये होम रेमेडीज़ हैं, इसकी वजह से भी हम यूरिनरी ट्रैक्ट से इन्फेक्शन से बच सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई इन्फेक्शन के से बचने के लिए ट्रीटमेंट, ट्राई मेथोप्रीन एंड सल्फा मेथा मेथोक्साजोल, सल्फा मेथोक्साजोल, यानी हम ट्राई मेथोप्रीन और सल्फा मेथोक्साजोल को भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिसमें हम ट्राई मेथोप्रीन को 1% लेते, वन क्वांटिटी होती है, जबकि सल्फा की 5, यहाँ पर 400 mg लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है हमारे पास 40 जो है वो ट्राई मेथोप्रीन है और जबकि 400 हमारे पे सल्फा मेथोक्साजोल है। इसके बाद फोसमाइसिन, फोस्फोमाइसिन, नोरफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, नाइट्रोफ्यूराशन, सिफ्लोक्सिन एंड सिफ्ट्रियाजोन, ये मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स वगैरह हैं जिनको हम यूटीआई इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अदर ड्रग डेड मे बी एडिड, ये दूसरी मेडिसिन है उनको भी हम इस्तेमाल करते हैं इनको पेन किलर के लिए एज एंटीसेप्टिक वगैरह। यूरिनरी एनाल्जेसिक यानी यूरिनरी ट्रैक में अगर जल आपको पेन वगैरह हो रही है तो उसके लिए भी हम पेन किलर यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले फेनाजोपायरिडीन एंड कम्बिनेशन ऑफ एनाल्जेसिक कंटेनिंग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन एंटीसेप्टिक, यानी